खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने फटाका गोदाम को किया सील। मंडला शहर में कटरा स्थित सावलदास महेरूमल फटाका गोदाम को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सील किया गया। दरअसल बीते दिन हरदा जिले में हृदय विदारक घटना हुई। घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के आदेश हुए, जिसमें प्रदेश के समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि जिले में संचालित फटाका दुकान, फटाका गोदाम, फैक्ट्री की निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट सरकार को पेश की जाए। निर्देश के परिपालन में आज मंडला एसडीएम तहसीलदार और पुलिस एसडीओपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसके चलते शहर में संचालित सावलदास महेरूमल फटाका गोदाम को सील किया गया। बताया गया कि उक्त गोदाम संचालक के पास लाइसेंस है, वह भूतल के लिए है अवगठित है और उपयुक्त गोदाम में फर्स्ट फ्लोर पर फटाके संग्रह रख कर किए गए हैं। गोदाम में रखे गए फटाकों के साथ साथ अन्य सामग्री भी रखी गई है, जो नियम विरुद्ध है। गोदाम में सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सुरक्षित किट, उपकरण व इंतजाम नहीं पाए गए। इसके साथ ही गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों के विषय में सही जानकारी व रिकॉर्ड नहीं पाई गई। उक्त लापरवाही के चलते सावलदास महेरूमल के खिलाफ कार्रवाई कर फटाका गोदाम को सील किया गया। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। सावलदास का दुकान है, चूंकि स्थाई मंडला का स्थाई फटाका लाइसेंस में यहाँ पे 9-10 लोगों को फटाका लाइसेंस है, स्थाई फटाका लाइसेंस। उसके तहत हमने जो निरीक्षण किया था, उसमें सबसे पहले हमने सावलदास करके एक स्थाई लाइसेंस करता है, उनके दुकान का निरीक्षण किया। दुकान के निरीक्षण में हमको ये पाया गया है कि जो उनका भंडार की जगह है, वहाँ पे उनको फटाका लाइसेंस के फटाके के अतिरिक्त उन्होंने मनिहारी का भी सामान उसमें रखा हुआ है। चूंकि फटाका लाइसेंस प्रथम तल पे ही भूतल के लिए अनुज्ञप्ति थी, तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे भी फटाका का सामान रखा हुआ था। और दूसरी चीज कि चूंकि वो आबादी एरिया में है, आबादी लगी हुई है उनके यहाँ पे, तो एक ये भी एक पॉइंट है। चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है, सुरक्षात्मक उपकरण उनके यहाँ पे नहीं पाए गए, नाम मात्र के 2 सिलेंडर्स थे सिर्फ। और जो उनका पंजी संधारण है, जो उनका स्टॉक है, कितना स्टॉक होना चाहिए, वो सारा उनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल नहीं करवा पाए उनको। हम लोगों ने इस पे अभी सील कार्रवाई कर दी है। दुकानों में निरीक्षण किया है, उसमें जो अनियमितता ज्यादा इनकी दुकान में पाई गई थी सावलदास की। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय।